25 सालों बाद अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और मैकेंजी का तलाक हो गया। ये दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में से एक है। इस तलाक के बाद जेफ बेजोस की संपत्ति का एक चौथाई हिस्सा मैकेंजी बेजोस को देना होगा। इसके तहत जेफ अपनी पत्नी को 35 बिलियन यूएस डॉलर देंगे। भारतीय रुपए में मापे तो ये आंकड़ा 24 खरब से ज्यादा रुपए होते हैं। इस पैसे से वो दुनिया की सबसे धनी महिलाओं की सूची में शुमार हो जाएंगी। फ्रेंच मूल के अमेरिकी व्यापारी और आर्ट डीलर एलेक विडस्टीन ने शादी के 24 सालों बाद अपनी पत्नी जोस्लिन को तलाक दे दिया था। उनका सेटलमेंट करीब 3.8 बिलियन डॉलर अभी के हिसाब से 267 अरब 84 करोड़ और 30 लाख रुपए में हुआ था। मीडिया मुगल रूपर्ट मडोक और पत्रकार एना टार्ब 31 साल तक पति पत्नी रहे और उनके 3 बच्चे हुए। 1988 में दोनों के बीच तलाक हुआ। 1.7 बिलियन डॉलर यानी 119 अरब 82 करोड़ और 45 लाख रुपए में मामला निपटा। यूनाइटेड किंगडम के सबसे अमीर आदमियों में से एक बर्नी एक्लिस्टन और क्रोएशिया की मॉडल स्वेलिका रेडिएक के बीच साल 2009 में तलाक हुआ। तलाक की ज्यादा डिटेल तो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन एक अनुमान के बीच मामला 1.2 बिलियन डॉलर यानी अभी के हिसाब से 84 अरब और 57 करोड़ रुपए में निपटा। लॉस वेगास के बड़े कसिनो व्यापारी स्टीव और एलन वीन के बीच न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार शादी हुई। पहली बार में 1963 से 1986 तक पति पत्नी रहे, फिर 1991 से 2010 तक। दूसरी बार जब उनका तलाक हुआ तो काफी महंगा तलाक हुआ। वैसे तलाक की डिटेल को राज रखा गया, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 1 बिलियन डॉलर यानी अभी के हिसाब से 70 अरब 48 करोड़ और 45 लाख रुपए में मामला निपटा।